फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट कुरकुरी और चटपटी भिंडी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। और इसे मैं बनाऊंगी बिना बीज निकाले, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। जिसे भिंडी नहीं पसंद है वो भी मांग मांग कर खाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ काजोल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल MK काजोल्स किचन में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्रिस्पी ओकरा यानी कि भिंडी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो भिंडी ली है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे आपको कॉटन के कपड़े से पोंछ कर या फिर पंखे की हवा में अच्छे से सुखा लेना है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने भिंडी सुखा ली है, ये अच्छे से सूख चुकी है। तो चलिए देखते हैं इसे हमें कैसे काटना है। तो मैं यहाँ पर आपको 2 अलग अलग साइज की भिंडी काट कर दिखाऊंगी, जिससे कि आपको बनाने में आसानी हो। जैसे भी भिंडी आपके पास हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको छोटी भिंडी काट कर दिखाती हूँ। तो इसके आगे और पीछे का पार्ट हमें थोड़ा थोड़ा सा काट कर निकाल देना है और फिर इसे हमें बीच से काट कर एक बार फिर से बीच से चीरा लगा देना है। तो ये देखिए, इसे 4 भागों में कट कर लेना है। भिंडी आप जितनी सॉफ्ट यानी कि नरम लेंगी ये उतनी ही अच्छी बनेगी, क्योंकि इसमें बीज बहुत ही छोटे होंगे। ज़्यादा बड़े बीज वाली भिंडी कम अच्छी बनती है। चलिए मैं आपको बड़े साइज की भिंडी काट कर दिखाती हूँ। इसके भी आगे और पीछे का पार्ट आपको कट कर देना है। इसके बाद इसे भी आपको बीच से इस तरीके से कट कर लेना है, यानी इसे 4 भागों में काट लेना है। अब छोटी वाली भिंडी मैंने बीच से नहीं काटी थी, बट बड़ी वाली भिंडी हम इस तरीके से बीच से कट कर देंगे। तो अगर आप बड़े साइज की भिंडी ले रहे हैं तो इसे आपको 4 भागों में कट करने के बाद बीच से कट कर देना है, बिल्कुल इस तरीके से। तो बड़ी वाली भिंडी हम इस तरीके से काटेंगे और छोटी वाली भिंडी में हम सिर्फ 4 भाग करेंगे, इसे बीच से नहीं काटेंगे, नहीं तो इसका साइज ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको सारी भिंडी काट कर तैयार कर लेनी है। और अगर आपकी भिंडी ज़्यादा बड़ी है तो आप इसे इस तरीके से बीज निकाल कर भी बना सकते हैं, बट मुझे लगता है भिंडी में बीज निकालने के बाद बचेगा ही क्या, क्वांटिटी भी कम हो जाएगी और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो आप इसे बिना बीज निकाले ही बना सकते हैं, बीज के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने सारी भिंडी काट कर तैयार कर ली है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 5 चम्मच बेसन, और इसे कुरकुरा बनाने के लिए साथ में ऐड करेंगे हम 3 चम्मच चावल का आटा। इससे भिंडी हमारी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनेगी। इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर या मैदा भी ऐड कर सकते हैं, बट चावल का आटा सबसे अच्छा ऑप्शन है, हो तो यही ऐड करना। साथ में थोड़ा सा अजवाइन और जीरा ऐड करेंगे, अगर आपको नहीं पसंद तो स्किप कर सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और इसे चटपटा बनाने के लिए लगभग 1 चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। इसकी जगह आप आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक हम सबसे बाद में ऐड करेंगे, नहीं तो भिंडी जो है वो सॉफ्ट पड़ जाएगी। साथ में इसमें 1/2 नींबू का जूस ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया है और 1/2 नींबू का जूस ऐड करेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट इसमें अच्छे से चिपक जाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, भिंडी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इसमें हमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करना है। तो ये देखिए, भिंडी हमारी तैयार है। इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम पहले एक भिंडी डालकर ऑयल चेक करेंगे गर्म हुआ या नहीं। तो आप देख सकते हैं भिंडी हमारी तुरंत ऊपर आ गई है, तो इसका मतलब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। भिंडी को हम बाहर निकालेंगे और अब सारी भिंडी इसमें ऐड कर देंगे जितनी भी आए, थोड़ी थोड़ी करके हम फ्राई करेंगे अगर ज़्यादा भिंडी है तो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, भिंडी को हम हाई फ्लेम पर इस तरीके से थोड़ा सा चलाते हुए फ्राई कर लेंगे, जिससे कि भिंडी हमारी एकदम क्रिस्पी बनेगी। इसे लो फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करें, नहीं तो ये सॉफ्ट पड़ सकती है। तो ये देखिए, हाई फ्लेम पर इसे इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। अब भिंडी को आपको कितना कुरकुरा बनाना है ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैं इसे एकदम कुरकुरी बना रही हूँ, इसलिए बेसन को सुनहरा होने तक आपको भिंडी को फ्राई करना है। आप देख सकते हैं बेसन हमारा ऊपर ऊपर अच्छे से सुनहरा हो चुका है और भिंडी भी हमारी एकदम क्रिस्पी दिख रही है। तो चलिए इसे अब हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं भिंडी हमारी कितनी कुरकुरी और चटपटी दिख रही है। देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीज निकाले बिना भी भिंडी कितनी कुरकुरी बनी है। तो इसी तरीके से हम सारी भिंडी फ्राई कर लेंगे। अगर इसे आप डीप फ्राई नहीं करना चाहते, कम ऑयल में बनाना चाहते हैं, तभी भी आप बना सकते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा, बस कढ़ाई में ऑयल थोड़ा कम ऐड करेंगे, 3 से 4 टेबल स्पून,
और उसमें हम अपनी ये बेसन वाली भिंडी ऐड करके इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, यानी कि भुनेंगे, जब तक कि भिंडी पक न जाए। और जब आपकी भिंडी पक जाए तब आपको एक मिनट के लिए गैस की फ्लेम हाई करके भिंडी को चलाते हुए भुन लेना है, जिससे कि आपकी भिंडी कम ऑयल में भी एकदम कुरकुरी बन जाएगी। बट डीप फ्राई करने से टाइम कम लगता है और ये सिर्फ 3 से 4 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, तो जैसे चाहें आप बना सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सिर्फ 5 मिनट में हमारी कुरकुरी और चटपटी भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपका बेसन वाला मिश्रण बच गया है तो आपको उसे फेंकना नहीं है। जिस कढ़ाई में आपने भिंडी फ्राई करी है उसमें थोड़ा सा ऑयल बचाइएगा, 1 से 2 टेबल स्पून, और उसी बचे हुए ऑयल में आपको बेसन ऐड करके 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। उसके बाद आपको ये फ्राई करी हुई भिंडी उसमें ऐड करके मिक्स कर देनी है, जिससे कि आपकी भिंडी और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी और कोई चीज़ भी वेस्ट नहीं जाएगी। तो चलिए इसे मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तोड़ने से ये तुरंत टूट जा रही है, इससे आप पता लगा सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है और आप आवाज़ भी सुन सकते हैं। इसे और चटपटा बनाने के लिए आप इसके ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करके इसे गर्म गर्म सर्व कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।